7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। हमास के करीब 3000 लड़ाके समुद्र, आसमान और जमीन से इसराइल के ऊपर टूट पड़े थे और इस हमले में 1200 से ज्यादा इसराइलियों की जान चली गई थी। वहीं हमास के लड़ाके 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। हालांकि गाजा पर इसराइल के जमीनी हमले के बाद से कतर के मध्यस्थता में हमास ने करीब 150 इजरायली बंधकों को रिहा किया था, लेकिन गाजा में अभी करीब 100 इजरायली बंधक मौजूद हैं, जिनके सिर पर मौत का फंदा लटक रहा है। और बंधकों की रिहाई को लेकर पीएम नेतन्याहू लगातार अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं। इसराइल में पिछले कई महीनों से बंधकों की रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन इन धरनों का कुछ खास असर नहीं पड़ा। अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्योंकि अब इसराइल के 15 और सैनिकों ने ऐलान किया है कि जब तक नेतन्याहू बंधकों की रिहाई की डील नहीं करते, तब तक वो ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें कि ये जानकारी इजरायली न्यूज एजेंसी वाला ने दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकार पर दबाव डालने के लिए आईडीएफ के कुछ सैनिकों ने एक मुहिम शुरू की है, जिस पर पहले 138 सैनिकों ने अपने हस्ताक्षर किए थे और अब इस लिस्ट में इन 15 जवानों का नाम और जुड़ गया है। हालांकि इनमें से कुछ सैनिकों का कहना है कि उन्होंने आईडीएफ में अपनी सेवा समाप्त कर दी है, जबकि कुछ सैनिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वो इसी तरह का फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि अपनी चिट्ठी में पीएम नेतन्याहू रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी को संबोधित करते हुए इन सैनिकों ने लिखा कि हम रिजर्विस्ट और सक्रिय ड्यूटी सैनिक, अधिकारी और सैनिक यहां ऐलान करते हैं कि हम इस तरह सेवा जारी नहीं रख सकते। गाजा में युद्ध हमारे भाइयों और बहनों बंधकों की मौत की सजा देता है। उस शापित दिन 7 अक्टूबर को हम एक भयानक और अंधाधुंध नरसंहार से जागे, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया। हमने तुरंत लड़ने, अपने देश की रक्षा करने और गाजा में बंदी बनाए गए बंधकों को छुड़ाने के लिए भर्ती हुए। आज ये स्पष्ट है कि गाजा में युद्ध जारी रहने से न केवल बंधकों की कैद से वापसी में देरी हो रही है, बल्कि उनके जीवन को भी खतरा है। कई बंधक आईडीएफ की बमबारी से मारे गए, जो कि उन्हें बचाने के लिए सैन्य अभियानों में बचाए गए लोगों से कहीं ज्यादा थे। इन सैनिकों ने अपनी चिट्ठी में नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया, हम जो सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने प्रतिबद्धता से सेवा की, अपनी जान को जोखिम में डाला, यहाँ पर ये घोषित करते हैं कि अगर सरकार ने इसकी दिशा नहीं बदली और बंधकों को घर लाने के समझौते को प्रोत्साहित नहीं किया, तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हम में से कुछ के लिए ये पहले से ही लाल रेखा पार कर चुका है, अन्यों के लिए यह इस रेखा पर पहुँच रहा है और वो दिन करीब है जब हम टूटे दिल से अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि बंधकों की जिंदगी को बचाने के लिए अब समझौता करें। आपको बता दें कि नेतन्याहू को चिट्ठी लिखने वाले कई ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने दबे पांव ये बात कही है कि इस कदम को लेकर उन्हें सजा मिल सकती है, या तो उनकी तनख्वाह में कटौती होगी या फिर उनकी नौकरी पर बात आ सकती है। और यही वजह है कि बंधकों की रिहाई को लेकर अब आईडीएफ में रिजर्व सैनिक और सामान्य जवान धीरे धीरे नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी नेतन्याहू से मिलने आए थे और अपनी इस मीटिंग में उन्होंने बंधकों की रिहाई की डील करने पर जोर दिया था।